बता ये बता, और अब के बरस जो बरसेगा वो साबुन कैसा होगा। एक ए हवा ए घटा, क्या तुझको ये है पता, अब के बरस हाँ अब के बरस हाँ अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। सावन कैसा भी हो मेरा साजन कैसा। शंभू भाई 15 अगस्त से पहले जितने कार्यक्रम हुए और लगभग एक दो दिन बाद तक जितने कार्यक्रम हुए, हर रसिया वाले ने एक गीत जरूर गाया कि घर घर पे तिरंगा लहरा रहा है, घर घर पे तिरंगा लहरा रहा है। और ये सत्यता भी थी इस महोत्सव की, दुकान घर गली गलियारे चौबारे गाड़ी घोड़ा हर जगह तिरंगा लहरा रहा था। बात सही है या नहीं है? लेकिन बघेल जी, ये गीत मैं भी लिखने वाला था, लेकिन एक घटना ऐसी घट गई कि मेरे दिल को झकझोर करके रख दिया, तो मैंने इस गीत का रूप बदल दिया। गौर करें आप लोग, शासन का आदेश हुआ महोत्सव ऐसा मनेगा तो मनाया, हर तिरंगा होगा हर घर पर होगा और हुआ, लेकिन उन तिरंगा वालों के साथ भी कुछ होने लगा। गौर करें आप एक एक लाइन पर। एक अरे मेरे पतन में तिरंगे की, फुलवारी खिल रही है। और भारत में चारों धर्मों की बेशक फुलवारी खिल रही है, बेशक फुलवारी खिल रही है। लेकिन बघेल साहब, अरे तिरंगा बांटने वालों को भी मारने की धमकी मिल रही है। और तिरंगा बांटने वालों को मारने की धमकी मिल रही है। राजस्थान पत्रिका से एक न्यूज आई, एक गरीब परिवार तिरंगा बांट रहा था, तो कुछ समाज के तत्वों ने उसे धमकी दे दी कि जा तो तिरंगा बांटना बंद कर दे, नहीं हम तुझे जान से मार देंगे। बेशक चारों धर्म मिलकर के रहते हैं, लेकिन ये भी हो रहा है। और शंभू भाई, ये कासगंज और नदरई के आसपास की जनता है, मेरा की जनता है, चुटिया तुम्हारी बड़ी होए चाहे कबू न होए, लेकिन ये जनता कुछ अच्छा सुनना पसंद करती है। इस बात को हर जगह कहना भूल छोड़ दो कि मैं तो सब बाबर हूं, मुंह पे तो केवल फटक ही आमत है। अरे बाबा रे हो तो कहू बसते कर रेलते टक्कर खाए के मर जाओ तो बाबा रे हो या बरेली चले जाओ है भैया। और तुम्हें पतो है फिर बाबर हो जाओ कोई है जहां तो का तो बाकी दवाई का है। देख अरे तिरंगा बांटने वालों को मेरे भारत तो में हूं धमकी मिल रही है, भारत की पावन जनता का कि भारत की ये भारत की पावन जनता का अरे कहना है इन सरकारों से, अरे कहना है इन सरकारों से। और लाइन में अगर कुछ दम लग जाए तो तालियां बजा देना केवल। अरे
भारत की इन सरकारों से, अरे भारत का पीछा छुड़वा दो इन भारत के गद्दारों से, भारत का पीछा छुड़वा दो भारत के ऐसे गद्दारों से। टिंकू बेटा ए हवा, मेरा कहना है कि तुम जो तिरंगे वालों को धमकी दे रहे हो तो तुम्हारे साथ ये होना चाहिए। क्या एक भूल के गम चाचा ए जोश में आ जाओ, अरे लगा के दम, हाँ लगा के दम, एक लगा के दम, भूल के गम, अरे लगा के दम, भूल के गम, लगा के दम, भूल के गम। और लैंड समझ आए तो हाथ उठा के मेरे साथ बोलना, लगा के दम, भुला के गम, कहो और कह दो बंदे मातरम। अब छुट्टियां बड़ी न होगी, लाइन पे आ जाओ, तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अरे लगा के दम, भुला के गम, और चाचा मेरे संगमा भगवान जी के मंदिर तक सब कह दो बंदे मातरम। लगा के दम, भुला के गम, कह दो बंदे मातरम, अरे बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम, जो ना बोले बंदे मातरम, जो ना बोले, अरे अरे बंदे मातरम, जो ना बोले बंदे मातरम, ना बोले उसे पाकिस्तान छुड़वा दो, अरे बंदे मातरम, जो ना बोले उसे पाकिस्तान छुड़वा दो, अरे बंदे मातरम, जो ना बोले उसे पाकिस्तान छुड़वा दो, पाकिस्तान छुड़वा दो या फिर गोली से उड़वा दो, पाकिस्तान छुड़वा दो या फिर गोली से उड़वा दो। बात सही लग रही है या नहीं? अरे बंदे मातरम, ना बोले उसे पाकिस्तान छुड़वा दो, किराए वाले को पैसा दे रहे हैं उनका जी, पाकिस्तान छोड़ के ले लो। अरे बंदे मातरम, बंदे मातर, ढोलक भाई भूखो है, भूखो है, भूखो है, ताकत के बजा। अरे बंदे मातरम, ना बोले उससे पाकिस्तान छुड़वा दो, पाकिस्तान छुड़वा दो या उसे गोली से उड़वा दो। क्यों बार बार, क्यों बार बार, बार बार क्यों, बार बार क्यों धोखा सहना, अरे बार बार क्यों है धोखा सहना, भारत की जनता का है कहना, बार बार का धोखा सहना, भारत की जनता का कहना। अरे देश विरोधी गद्दारों को, नीच निकम्बे मक्कारों को, देशद्रोही गद्दारों को, नीच निकम्बे। चाचा कैसे ठंडे से भर गए हो, भर तो खुल गए तो बाप 12 बजे,
सबरो ठेका आनंद को हम पहना है तो मुंगा लेना पड़ेगा। अरे देश विरोधी मक्कारों को, नीच निकम्मे गद्दारों को, अरे देश विरोधी गद्दारों को, इन नीच निकम्मे मक्कारों को, जो भारत में रहकर बंदे मातरम ना बोले ऐसे लोगों के लिए कहना है, इनकी आधी दाढ़ी आधी मूछे आधा सर मुड़वा दो, आधी दाढ़ी आधी मूछे आधा सर मुड़वा दो, अरे आधा सर मुड़वा दो या इन गोली से उड़वा दो, आधा सर मुड़वा दो या इन। और ये 20 रुपए मनोज कुमार स्टूडियो वाले देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और ये 101 रुपए का पुरस्कार अलीगढ़ वाले देवदास जी आए हैं उनकी तरफ से है, बार बार हाथ जोड़ करके आशीर्वाद की कामना करूंगा। करते भारत की बदनामी, करते भारत की बदनामी, और पंडित जी एक लाइन हमें बोलन दो, देखो जब जनता इंतजार में बैठी है। करते भारत की बदनामी और नीच निकम्मे जे नमक हरामी, भारत की बदनामी नीच निकम्मे नमक हरामी। बघेल साहब दुख क्यों होता है? दुख इसलिए होता है क्यों, हमने वतन को खून से सींचा, अरे हमने वतन को खून से सींचा, हमने वतन को खून से सींचा, उसे दिखाते हैं ये नीचा, हमने वतन को खून से सींचा, उसे दिखाते हैं ये नीचा, और चौराहे पर, अरे चौराहे पर गढ़वाओ खूनी कुत्ते छुड़वा दो। जी अगर दाढ़ी ना मुड़वाओ तो एक लाइन और दे रहा हूं, गीत की अंतिम लाइन है, रसिया खत्म होने के बाद यहां इन्हें चौराहे पर गाड़ो, आधे जातक इन्हें चौराहे पर गाड़ो और खूनी कुत्ते छुड़वा दो, खूनी कुत्ते छुड़वा दो या फिर गोली से उड़वा दो। ये रामा दल राधा पल्लव का, ये राधा के चेहरे पर जैसे और नूर है आधा पल्लव का, नूर है आधा पल्लव का, और ये रामा दल मशहूर है ऐसे कोई मेरे व राधा पल्लव का, है पहलाद की कलम कटारी, है
है प्रहलाद की कलम कटारी और कैसे जे गर्दन नीचे तारी, ये छाती पे चढ़ेगा वे बनवारी। अरे मुख भरने